जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, हम सभी के घर में कॉपर जिसे तांबा कहते हैं ऐसे बर्तन मिल ही जाते हैं, लेकिन कई लोग इन बर्तन को घर पे इसलिए नहीं लाते क्योंकि वो बहुत जल्दी काले पड़ जाते हैं और आसानी से दाग साफ नहीं होते। आज हम तांबे के बर्तन को टमाटो केचप से साफ करके दिखाएंगे और वो भी बहुत आसानी से। टमाटो केचप में कुछ ऐसे सामग्री होती है जैसे कि विनेगर, साइट्रिक एसिड, जो हमारी सारी गंदगी को एब्जॉर्व कर लेती है और बहुत आसानी से हमारे तांबे के बर्तन बिल्कुल नए जैसे हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्क्रब के ऊपर टमाटो केचप लगा के इसे चारों तरफ जो है तांबे के बर्तन के ऊपर लगा दिया है। आप चाहें तो स्क्रब की मदद से लगा सकते हैं। अगर जैसे कई जगह है स्क्रब से ठीक से नहीं लग पा रहा है, जैसे कि हैंडल हुआ उसका, उसके साइड के पार्ट हुए, उसके अंदर का पार्ट हुआ, तो आप स्पून से भी टमाटो केचप लगा सकते हैं। बस हमें टमाटो केचप को अच्छे से लगाना है हर एक जगह पे जहाँ भी कालापन है, ताकि इसकी सारी गंदगी जो है टमाटो केचप अपने में एब्जॉर्व कर ले और हमारा जो तांबे का बर्तन है वो आसानी से चमक जाए। हाथों से भी थोड़ा रब कर सकते हैं, जैसे अंदर मैंने इसे हल्का हल्का हाथों से भी रब कर लिया है, बहुत आसानी से ये जो है लग जाता है। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इसे लाइक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप ऐसी ही वीडियोस और देखना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सब तरफ अच्छे से केचप लगा दिया है। अब इसे 4 से 5 मिनट के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी, 4 से 5 मिनट में, ताकि सारी सॉस जो है अपनी सारे अंदर सारी इसकी गंदगी एब्जॉर्व कर ले, क्योंकि इसमें जैसे कि मैंने बोला विनेगर, साइट्रिक एसिड ऐसे कुछ सामग्रियाँ होती हैं जो आसानी से ये गंदगी हटा देती है। अब जैसे 4 से 5 मिनट बाद हो जाए तो मैं इसे हल्का सा स्क्रब से ही रब कर लूँगी, हल्के हल्के हाथों से भी रब करूँगी ना तो ही इसकी सारी गंदगी हटती जाएगी। बस थोड़ा थोड़ा रब करती जाऊँगी हर जगह से और इसकी गंदगी अपने आप हटती जाएगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकती हैं। और ये जो तांबे का यानी कॉपर का जो बर्तन है वो नए जैसा हो जाएगा। मैंने यहाँ पे कॉपर का जग लिया है, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप कोई भी बर्तन इससे टमाटो केचप से साफ कर सकते हैं। तो मैं अच्छे से इसे रब कर लेती हूँ सब तरफ से, बाहर से अंदर से। मेरी और रेसिपीज़ देखने के लिए और ऐसी क्लीनिंग टिप्स देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे Facebook पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मैंने इसे हर तरफ से एकदम स्क्रब करते हुए अच्छे से साफ़ कर लिया है। मैं इसको आपको दिखाती हूँ टमाटो केचप से कितनी गंदगी इसकी निकल के आई है, मैं आपको इसमें दिखाती हूँ। ये देखिए स्क्रब भी बिल्कुल काला पड़ गया हमारा, एकदम गंदगी इसकी निकल के आ चुकी है। तो अब मैं इसको साफ़ पानी से वॉश कर लाती हूँ और ये देखिए साफ़ पानी से वॉश करने के बाद कैसे चमक उठा है हमारा कॉपर का बर्तन, तांबे का जग चमक उठा है, बिल्कुल नए जैसा हो गया है। तो ये थी इतनी आसान ट्रिक जिससे आप कॉपर के कोई भी बर्तन हो अपने घर में अवेलेबल वो साफ़ कर सकते हैं। तो अब आपको कॉपर के काले बर्तन होने की टेंशन नहीं, इसे आसानी से साफ़ कीजिए। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक आप जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।